पहले वरमाला होगी, फिर फेरे होंगे, उसके बाद सिंदूरदान की विधि करेंगे। दुर्गा 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 सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि इस बार हमारी दुर्गा जो है वो राजेश के चंगुल में फंस जाती है और कुंवर शाह की इज्जत को बचाने के लिए इस बार दुर्गा अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली है। तो वही कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे विक्रम और राजेश पानीबाई ने मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, कहानी ठीक उसी तरह ही चलते हुए दिखाई दे रही है। इस बार चांदनी यानी कि राजेश के घर पर जो औरत रहती थी वो सीधा सीधा पहुंच जाती है हवेली में, ये खबर लेकर कि भाई दुर्गा ने कितना बड़ा धोखा किया है उनके साथ। जी हाँ, यहाँ पर वो औरत यानी कि चांदनी पहुंचती है और कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, दुर्गा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। दुर्गा ने जानबूझकर प्लानिंग प्लॉटिंग की और नाटक किया मुझे बीमार करने का और राजेश ने और उसने साथ में पूरी रात गुजारी। अब ये सुनकर तो भाई विक्रम और पानीबाई बहुत ज्यादा शौक होने का नाटक करते हैं और इसी के साथ यहाँ पर अनुभव बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि दुर्गा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन दुर्गा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और अनुराग को बचाने के लिए इस बार दुर्गा ने राजेश से शादी करने के लिए रजामंदी दे दी है। तो एक कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाला है कि इस बार एक बड़ी सी पंचायत बिठाई जाएगी और इसी के साथ इस बार पंचायत वालों के सामने ये सच्चाई आएगी कि दुर्गा और राजेश ने एक रात एक साथ गुजारी है। और अब भाई इसके बाद तो बहुत जल्द इन दोनों की शादी होने वाली है क्योंकि इस बार ऑर्डर दे दिया गया है कि बहुत जल्द इन दोनों की शादी करवा दी जाए। अब दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा कि अनुभव ये सारी बातें अनुराग तक पहुंचाने वाला है, तो आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार राजेश और दुर्गा की शादी सच में हो जाएगी या फिर इस बार अनुराग एंड मोमेंट पर आकर अपनी दुर्गा को बचा लेगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अनुराग कहीं ना कहीं दुर्गा की बातों पर विश्वास ना करे। और आने वाले एपिसोड में अब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार अनुराग अपनी दुर्गा को बचा पाएगा या फिर सच में इस बार दुर्गा और राजेश की शादी होगी।